भारतीय क्रिकेट टीम की झोली में दो वर्ल्ड कप डालने वाले धोनी ने 15 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के साथ ही भारतीय क्रिकेट में युग का अंत हो गया है। इसके साथ ही उन अटकलों को भी विराम लग गया है जो पिछले एक साल से उनके संन्यास को लेकर चली आ रही थी। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को ऐसे समय में अलविदा कहा है जब इंटरनेशनल क्रिकेट कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहा है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की 16 सालों तक सेवा की और कई बड़े खिताब टीम को जिताए। इस दौरान धोनी ने बतौर विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए जिनके आसपास पहुंचना भी शायद किसी के लिए मुमकिन ना हो पाए। तो आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बारे में जिनको तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए होगा नामुमकिन। तो पहले रिकॉर्ड की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में वर्ल्ड टी20, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब जो दूसरा रिकॉर्ड है कि क्रिकेट के इतिहास में धोनी सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान हैं। धोनी ने 2007 से 2008 के बीच कुल 332 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है जिसमें टीम को 178 बार जीत मिली है जबकि 120 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अब तीसरा रिकॉर्ड जो कि टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट 60, वनडे 200 और टी20 72 में कप्तानी का रिकॉर्ड भी माही के ही नाम दर्ज है। यही नहीं, वह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट, वनडे 110 और टी20 इंटरनेशनल 41 जीतने वाले कप्तान हैं। टेस्ट में वह कोहली के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 27 टेस्ट मैच अपने नाम किए हैं। अब जो चौथा रिकॉर्ड है कि एमएस धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं। धोनी भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें क्रिकेटर हैं। अब पांचवा रिकॉर्ड ये है कि विकेट के पीछे धोनी बिजली जैसी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि विकेट कीपर के रूप में वह तीसरे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपर हैं। उन्होंने 538 मैचों में 829 बार विकेट के पीछे बल्लेबाजों का शिकार किया है। बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड मार्क वाउचर जो कि 958 है उनके नाम दर्ज है। अब जो छठवां रिकॉर्ड है वो ये है कि धोनी क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले विकेट कीपर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 192 बार बल्लेबाजों को स्टंपिंग कर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। माही के नाम टेस्ट में 38, वनडे में 120 और टी20 में 34 स्टंपिंग का रिकॉर्ड है। अब सातवां रिकॉर्ड ये है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में भी धोनी विकेट कीपर के तौर पर तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने विकेट के पीछे 634 बार कैच लपके हैं। इस मामले में साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर 952 कैच पहले जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट 813 दूसरे स्थान पर हैं। अब जो आठवां रिकॉर्ड है वो ये है कि धोनी वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक कुल 229 छक्के जड़े हैं। यही नहीं, धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दुनिया के पांचवे और भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 359 छक्के दर्ज हैं। अब जो नौवां रिकॉर्ड है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड भी धोनी के ही नाम है। धोनी 538 मैचों की 526 पारियों में कुल 142 बार नॉट आउट रहे हैं। उनके इस रिकॉर्ड के आसपास कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। अब जो दसवां रिकॉर्ड है वो ये है कि धोनी दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक सभी बल्लेबाजी पोजीशन पर शतक जड़ा है। धोनी के नाम 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। तो ये है माही के वो 10 रिकॉर्ड जिनको तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप माही को एक बेहतरीन विदाई देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अन्य खबरों के लिए द हिंदुस्तान मिरर को सब्सक्राइब कीजिए। Change up.